चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो मेल मर्ज के ऊपर है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं मेल मर्ज का कंसेप्ट क्या है। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, 6 या 7 स्टेप होते हैं इसमें, और पूरे स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ आपको मेल मर्ज के बारे में एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को देखेंगे तो समझ में आएगा। मेल मर्ज का सीधा सीधा मीनिंग है मेल, यानी कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसको किसी को भेजना है, उसको आपको मर्ज करना है। तो आपके पास दो तरीका है। आप क्या करोगे, एक लिस्ट तैयार करोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक लिस्ट है आपके पास, ये एक लिस्ट होती है और ये आपका है एक लेटर। मान लो एक लेटर एडमिट कार्ड है या आई कार्ड है, कोई भी इस टाइप का चीज़ है जिसमें पूरा फॉर्मेट सेम होता है, केवल नाम जो है वो चेंज होते रहता है, नाम रोल नंबर ये चेंज होता है। एडमिट कार्ड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर मुझे एडमिट कार्ड जनरेट करना है तो मैं 100 लोगों के लिए बार बार एडमिट कार्ड टाइप नहीं करूंगा, बल्कि एक बार एडमिट कार्ड टाइप करूंगा और एक बार लिस्ट टाइप करूंगा और दोनों को मर्ज कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मुझे 100 एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। क्लियर है? दूसरा तरीका, अगर मैं एक बार लेटर तैयार कर लिया हूँ और एक बार लिस्ट तैयार कर लिया हूँ, मान लीजिए आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में भी यही स्टूडेंट जाएंगे, तो लिस्ट भी तैयार नहीं करनी पड़ेगी। पहले से तैयार वाली लिस्ट, पहले से तैयार वाला फॉर्मेट, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है एमएस वर्ड में, उसको मेल मर्ज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी है, एक बार में थोड़ा सा समझ में नहीं भी आता है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। बेसिक कंसेप्ट आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। एक लेटर तैयार करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। देखिए, एक लेटर है, एक लिस्ट है, और उन दोनों को जोड़ना है, और ये 6-7 स्टेप में होता है। क्लियर है? डायग्राम समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेल मर्ज करने के लिए हमारा जो स्टेप होगा वो कैसा होगा देखते हैं। सबसे पहले मेल मर्ज करना है तो मैं यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए एक फॉर्मेट तैयार कर देता हूँ, एडमिट कार्ड, और मैं सिंपल फॉर्मेट यहाँ पर रख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करूंगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम, मैं यहाँ पर लिखूंगा रोल नंबर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास। 3 चीजें लिखते हैं। क्लियर है? टैब बटन का यूज करके आप इसको प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं। मैंने टैब बटन का यूज किया और यहाँ पर मैंने कुछ लेटर का फॉर्मेट तैयार कर दिया है। क्लियर? तो ये मान लीजिए ये सेम लेटर है, एक पैराग्राफ ही रखते हैं हम लोग। ये सेम लेटर को मुझे सेंड करना है 100 स्टूडेंट के पास, तो मैं एक बार लेटर तैयार कर लेता हूं। यहां पर मैंने एक बार लेटर तैयार कर लिया है, लेटर को मैं दिखा दे रहा हूँ। पहला स्टेप होता है हमारा लेटर तैयार कर लेना ब्लैंक फॉर्मेट में। आप देख रहे हो यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर रोल नंबर नहीं है, यहाँ पर क्लास नहीं है। सबसे पहला स्टेप मुझे लेटर तैयार कर लेना है। ये लेटर पहले से तैयार है तो वो भी नहीं करना है, लिस्ट तैयार पहले से है तो वो भी नहीं करना है। क्लियर है? हमारा लेटर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम मेल मर्ज करने जा रहे हैं, क्या स्टेप होगा देखते हैं। सबसे पहले मेलिंग टैब में जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मेलिंग टैब में जाएंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पर है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इसको सेलेक्ट करना है। 6 या 7 स्टेप होते हैं इसमें। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेल मर्ज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेप 1 of 6, टोटल 6 स्टेप है। तो 6 स्टेप को आपको याद रखना है, थोड़ा सा बड़ा स्टेप प्रोसेस होता है। क्लियर है? टोटल 6 स्टेप है, इसमें से हम कौन सा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप जो है इसमें हमको अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप पे हैं हम। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या करना है देखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या पूछा जा रहा है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, मुझे डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर तैयार करना है। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या है, यहाँ पर लेटर रखना है आपको, ईमेल करना है, एनवलप करना है, लेबल करना है, या फिर डिक्शनरी करना है। एनवलप भी तैयार होता है। मान लीजिए आपको शादी का कार्ड भेजना है 100 लोगों को,
तो एनवलप के ऊपर सबके ऊपर अलग अलग नाम छपा होता है, वो एनवलप तैयार कर सकते हो, लेबल तैयार कर सकते हो। लेबल क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे हम बाद में चर्चा करेंगे, इन दोनों को याद रखना, खत्म होते ही हम लोग इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि इस पे असाइनमेंट आपको करना है आगे। तो सबसे पहला जो स्टेप था जिसमें हमको डॉक्यूमेंट तैयार करना था वो हमने तैयार कर लिया है, तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, लेटर, और फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो यहाँ पर कौन सा स्टेप आ गया, स्टेप नंबर थ्री, कौन सा आ गया, स्टेप नंबर टू आ गया। ये स्टेप नंबर टू में आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट पे करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट पहले से तैयार है तो आप यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कर सकते हो, मतलब पिछले साल का जो एडमिट कार्ड है उसी को यहाँ पर आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, क्लियर है, ये फिर से टाइप करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल यूज द करेंट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो सेकेंड स्टेप में भी हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि पहले से किया कराया है, समझ में आया। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में जाने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे। ये हमारा थर्ड स्टेप आ चुका है। अब हमको लिस्ट तैयार करना है, रिसिपिएंट की लिस्ट यहाँ पर तैयार करना है। तो देखो आपके पास तीन ऑप्शन आ रहा है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपके पास पहले से लिस्ट है क्या, नहीं है, तो आप यहाँ पर टाइप ए न्यू लिस्ट का यूज कर सकते हो, क्लियर है। तो टाइप ए न्यू लिस्ट का यूज आपको करना है तो उसके लिए थोड़ा सा टफ प्रोसीजर होता है, मैं बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। मैं एक्सेल में, यहाँ पर एक्सेल होता है आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये भी ऑफिस पैकेज के अंदर ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा आपको। एक्सेल के अंदर यहाँ पर आपको लिस्ट तैयार करनी है, मैं यहाँ पर लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम, क्या क्या था, और रोल नंबर और क्लास। यहाँ पर मैं रोल नंबर तैयार कर दिया और मान लीजिए मैं 10 रोल नंबर तैयार करना चाहता हूँ तो ये फट से तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट नेम हम फटाफट ले लेते हैं, मोहन, सोहन, रोहन, रमेश, मुकेश, सुरेश, मनोज, महेंद्र, राजेश, राजीव। मैंने 10 नाम लिया और सभी पीजीडीसीए सेम वन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और देखिए इसमें फिल ऑप्शन होता है, वो हम एक्सेल में देख लेंगे। मैंने ये लिस्ट तैयार कर ली है और ये लिस्ट तैयार करने के बाद हम यहाँ पर इसको सेव कर दे रहे हैं। देखो लिस्ट को मैंने क्या कर दिया है, सेव किया है, ध्यान देना, मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा पीजीडीसीए के नाम से। मैंने डेस्कटॉप पे पीजीडीसीए नाम से ये लिस्ट तैयार कर दी है। मैं इसको बंद करके दिखा देता हूँ आपको कि डेस्कटॉप में हमारे पास पीजीडीसीए नाम से एक लिस्ट मिल गई है, ये ठीक है। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो 10 लोग का नाम दिख रहा है मेरे पास, क्लियर है। इन 10 लोगों का एडमिट कार्ड रेडी करना है। यहाँ पर अगर 1000 नाम होंगे तो भी यही काम करना है, 2 नाम होंगे तो भी वही काम करना है। यहाँ पर ये संख्या कम ज्यादा होगी वो कंप्यूटर का हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है, कंप्यूटर को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नाम हो चाहे 2000 नाम हो, हमको उतना ही काम करना है, क्लियर है। तो तीसरा मैंने लिस्ट तैयार कर ली है, क्लियर है। लिस्ट तैयार करने के बाद ये वाले स्टेप को हम करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और मैं पहले से बनी बनाई लिस्ट को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, क्लियर है। इसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा ब्राउज बटन पर और अपने लिस्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पर मुझे पीजीडीसीए नाम से एक लिस्ट मिलेगी, ये क्लियर है। तो थर्ड स्टेप में मैंने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रही है, मेरा जो डेटा है वो फर्स्ट शीट में है, क्लियर है। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा सारे के सारे डेटा को यहाँ पर दिखा देगा, वो यही डेटा था ना, मान लेते हैं पिछले साल का डेटा या फर्स्ट सेमेस्टर का डेटा है और सेकेंड सेमेस्टर में फिर से एडमिट कार्ड बनाना है, लेकिन ये मुकेश जो है फेल हो गया है या उसने फॉर्म नहीं भरा या उसने टीसी ले ली, तो यहाँ से हम उसको हटा भी सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। याद रखना रोल नंबर 105 का एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा, हटाने की सुविधा भी है,
लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे, क्लियर है। तो थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमारी लिस्ट अभी जो है ऐड हो चुकी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमेशा याद रखना ये जो कर्जर है यहाँ पे ही रखे रहना शुरू में, शुरू से ही, ताकि गड़बड़ी ना हो। ये कर्जर इधर उधर रहेगा तो बाद में फिर समझ में नहीं आता है, हमेशा ये जो स्पेस बना हुआ है यहीं पर रखे रहना पूरे शुरू से लेके आखिरी तक, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। मैक्सिमम लोगों की गड़बड़ी होती है यहाँ पे, कर्जर रखते हैं तो पता नहीं चलता है उन लोगों को, क्लियर है। अगला स्टेप में जाने के लिए हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और हमारे पास अगला स्टेप आ गया है, राइट योर लेटर। हमारा लेटर पहले से राइट किया हुआ है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर आएगा प्रीव्यू, आप अपने लेटर को प्रीव्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंसर्ट, फोर्थ स्टेप में आने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, फोर्थ स्टेप के बाद ही आपको सबसे पहले जगह पर यहाँ पर रखना है माउस का पॉइंटर और आपको मेलिंग में जाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड। आप देखोगे जो आपका जो लिस्ट बनाए थे उसमें जो जो नाम आप लिखे थे वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ गए हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इसके आगे कर्सर रखिए, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, स्टूडेंट नेम ऐसा लिखा हुआ आएगा, ये फील्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। फिर यहाँ पर आप रखो और यहाँ पर क्या करना है, ये वाला काम बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, ध्यान देना, फोर्थ स्टेप में ये करना है। यहाँ पर मुझे लिखना है रोल नंबर और स्लैश क्लास, और यहाँ पर मुझे लिखना है क्लास, मैं दो बार भी ला सकता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट नेम को मुझे रेड कलर से दिखाना है तो मैं यहाँ पर गया और इसका कलर रेड कर दिया और इसका फॉन्ट भी बड़ा कर दिया। ठीक है, क्लियर है। इसको जो रोल नंबर है उसको मुझे बॉक्स के अंदर दिखाना है तो मैं यहाँ पर इंसर्ट में जा करके एक बॉक्स बना सकता हूँ। देखिए आपको जो डिजाइन बनानी है आप वो बना लो, उसके बाद फिर वो डिस्प्ले होगा, क्लियर है। फ्रंट में आ जा रहा है, फिलहाल हम इतना कर ले रहे हैं। अब ये फोर्थ स्टेप के बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट करेंगे तो प्रीव्यू करेगा ये हमको। देखिए फिफ्थ स्टेप में क्या करेगा, प्रीव्यू करेगा, एक नाम लाके दिखाएगा, सुरेश 106/PGDCA, और यहाँ पर आ गया, ये एक लेटर तैयार हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पेज नंबर 1 दिख रहा है, क्लियर है। प्रीव्यू कर देखने के बाद हमको सब कुछ ठीक लग रहा है तो क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और सबसे लास्ट स्टेप जो छठवा स्टेप है इसमें हमको मर्ज को फिनिश करना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो या फिर एडिट करने का ऑप्शन व्यू भी कर सकते हो। तो अगर आप व्यू करोगे तो स्क्रीन पर दिखाई देगा, यहाँ पर एडिट में जाना है आपको और सेलेक्ट ऑल कर लेना, ओके करना। ध्यान देना यहाँ पर पेज 1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर टोटल 10 नाम थे, कितने नाम थे, और रोल नंबर 105 को मैंने हटा दिया था तो कितने एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, 9। मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, आप देखना 9 एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कितना आ गया, 9। पहला जो लिस्ट में यहाँ पे लिस्ट आपको ओपन कर देता हूँ, साथ ही साथ आप लिस्ट भी देख लो कि आपको जो लिस्ट थी, सॉरी वो ओपन है लिस्ट इसलिए ओपन नहीं हो रही है। पहला जो नाम था मोहन, रोल नंबर 101 PGDCA और सेम लेटर उसको चला जाएगा, एडमिट कार्ड बन गया। एडमिट कार्ड ऐसे ही रहता है ना।